हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें ए बी 16 है, बीसी 63 है और एसी 65 है। तो कहा है आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2A प्लस कॉस 2B प्लस कॉस 2C, ये निकालने के लिए कहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है ये आप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉस 2A प्लस कॉस 2B प्लस कॉस 2C इक्वल होता है -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इसी तरीके से साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C इक्वल होता है 4 साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी मल्टीप्लाई साइन सी। तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब ये फॉर्मूले आए कहाँ से? आपको ये पता होगा कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है 2 cos C + D/2 मल्टीप्लाई cos C - D/2। तो अगर ये फॉर्मूला हम पहले इसके बीच में लगाएं, फिर जो बचा उसके और इसके बीच में लगाएं, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है। तो आपको ये डायरेक्टली यहाँ याद होना चाहिए। इसी तरीके से अगर यही क्वेश्चन इस फॉर्म में होता तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो ये तो हो गई बात। अब आप देख सकते हैं कि आपको जो ये ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये किस टाइप का हमारे पास ट्रायंगल है। वैसे तीनों साइड्स इक्वल तो नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहां पर आपको 65 दे रखा है। तो अगर मैं 65 का स्क्वायर करता हूं तो 3969 आता है। ठीक हो गया? ये सॉरी 65 का नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, 63 का स्क्वायर आता है ये 3969। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 65 का स्क्वायर होता है 4225। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये 4225 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जिसमें AC जो है वो आपका हाइपोटन्यूज हो गया। तो ये AC आपका हाइपोटन्यूज हो गया, ये बी है। तो ए बी आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। और ये कितना दे रखा है? 60। तो 3, इससे पता लग जाता है कि आपको जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं डायरेक्टली हमारे फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूं है, कॉस 2A प्लस कॉस 2B प्लस कॉस 2C इक्वल टू दिस। हम ए और बी पुट, ए और सी पुट नहीं करते, सिर्फ बी की जगह 90 डिग्री पुट कर देते हैं। क्यों? मैंने आपको बता दिया 90 डिग्री है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो आप देख सकते हैं जो ए ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच करता है। और इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।